नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में सभी छात्रों का। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के कंडीशन में रेलवे चाहे MPB हो, चाहे SSC हो, चाहे व्यापम हो, चाहे अदरवाइज कोई सी भी फील्ड हो, सभी फील्ड में टेक्निकल का एक विशेष महत्व है। तो मैं आपके सामने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारे टेक्निकल के लेक्चर्स, जैसे ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, DC मोटर, DC जनरेटर, AC मोटर, AC अल्टरनेटर वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मेरे YouTube चैनल पर सीखने को मिलेगी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि यदि आप टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या कोई भी लेक्चर अटेंड करना चाहते हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और साथ ही साथ आपको यदि किसी प्रकार से कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिखकर मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिले। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर का मतलब होता है ट्रांस और फार्मर। जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि ट्रांस का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहें ट्रांसफर का अर्थ क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना ट्रांसफर कहलाता है। तो सेम कंडीशन जो है ट्रांस जो होता है अपना, ट्रांस से रिलेटेड जो है जितने भी जहां पर भी दुनिया में ट्रांस लग जाए, ट्रांस का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना। किस चीज का स्थानांतरण करना है मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो सर्वप्रथम ट्रांस का मतलब आप एक चीज समझ लो कि ट्रांस का मतलब होता है स्थानांतरण करना। ट्रांस का मतलब स्थानांतरण करना। और फार्मर मतलब होता है किसान। किसान का काम क्या होता है दोस्तों? किसान का काम होता है फसल को पैदा करना। तो सेम कंडीशन हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। फार्मर का मतलब होता है पैदा करना। अब पैदा करना, क्योंकि एक शब्द का अर्थ जो है ट्रांस का मतलब होता है स्थानांतरण करना और फार्मर का अर्थ है पैदा करना। यदि इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर जो होता है वो पैदा भी कर रहा है और स्थानांतरण भी कर रहा है। अब किस चीज को पैदा कर रहा है और किसका स्थानांतरण कर रहा है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है और साथ में वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता भी है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम और बढ़ाने या घटाने का काम कर सकता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो जनरेशन होता है, जो इंडिया में जनरेशन है, वो जनरेशन 11 KV का जनरेशन होता है। कितने केवी का? 11 KV का। तो चूंकि 11 KV का जो जनरेशन होगा तो इस 11 KV से हमारी आवश्यकता जो है, हमारे देश की आवश्यकता जो है वो पूरी नहीं होती। इसके लिए हम 11 KV को जो है 33 KV 230 KV इसमें हम कन्वर्ट करते हैं। इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमको ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा, सारे लेक्चर्स आप कंटिन्यू अटेंड करते रहे। तो ट्रांसफार्मर जो होता है मुख्य रूप से क्या करता है? वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है और साथ में वोल्टेज को अप या डाउन, अप मतलब बढ़ाना, डाउन मतलब घटाना। मतलब यदि बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? जनरेशन कर रहा है। तो पूरे ट्रांसफार्मर का यदि हम अर्थ निकाले तो ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कार्य करता है। ऐसी युक्ति जो होती है ट्रांसफार्मर कहलाती है। ट्रांसफार्मर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्रांस मतलब स्थानांतरण करना और फार्मर मतलब पैदा करना। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर का पूरा अर्थ है कि इलेक्ट्रिसिटी को या वोल्टेज को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक बढ़ाने या घटाने का काम, ले जाने या उठाने का काम ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर जो होते हैं मुख्य रूप से यदि देखे जाए तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो होता है दो प्रकार के। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दो प्रकार है, ये दो प्रकार कौन से दो प्रकार है, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर जो है ट्रांसफार्मर जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है स्टेप अप का मतलब क्या होता है? स्टेप का मतलब होता है सीढ़ी और अप का मतलब होता है ऊपर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्टेप अप, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, अप मतलब बढ़ना, ऊपर होना। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं? एक्समर भी कहते हैं। एक्समर मतलब दुनिया में जिस भी वर्ल्ड के सामने एक्स जुड़ जाए। टेक्निकल में उस एक्स का मतलब होता है स्थानांतरण करना, जैसे एक्सपोर्ट, एक्स मिशन, एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक्सटेंशन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो एक्स का मतलब होता है वो क्या होता है? ट्रांसफर करना। इसलिए हम जो ट्रांसफार्मर को जो कहते हैं वो एक्समर भी कहते हैं। दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन एक्समर, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप दोस्तों इसको हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो हिंदी नाम होता है वो होता है परिणामित्र, परिणामित्र। तो जो ट्रांसफार्मर का जो नाम होता है वो हिंदी नाम क्या होता है दोस्तों? परिणामित्र, परिणामित्र। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह ऊंचाई परिणामित्र है और जो दूसरा ट्रांसफार्मर है वो अपचाई परिणामित्र है। अपचाई परिणामित्र मतलब एक ऊंचाई जो ऊंचा उठाता, ऊंचा उठाने से मतलब हम कह सकते हैं कि वोल्टेज को बढ़ाता है, अप करता है। और दूसरा ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है, जो वोल्टेज को नीचे करता है, मतलब डाउन करता है, मतलब कम करता है। ऐसे ट्रांसफार्मर जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है मुख्य रूप से जो है हम कह सकते हैं, सबसे पहले तो हमको इसके लिए समझना होगा कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है, ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था, एक बार मैं फिर आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, बनावट के आधार में ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो चूंकि आपको सभी को पता है ट्रांसफार्मर में, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, ट्रांसफार्मर में मुख्य रूप से दो प्रकार की क्वाइल होती है, कुंडली होती है, मतलब पहली कुंडली जो होती है वो प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली जो होती है द्वितीयक कुंडली कहलाती है। प्राथमिक अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है, यदि मैं बात करूं तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है इससे हम जो है सप्लाई देते हैं, मतलब हम यहाँ इनकमिंग पावर जो है वो जो है ट्रांसफार्मर में इंटर करते हैं। ट्रांसफार्मर में जो बीच में होती है कोर होती है और सेकेंडरी जो कॉइल होती है ट्रांसफार्मर की वो जो होती है इसके द्वारा जो हम आउटपुट लेते हैं। इस तरीके से ट्रांसफार्मर में मुख्य रूप से दो कॉइल होती है, एक कॉइल कहलाती है आपकी प्राइमरी कॉइल और दूसरी कॉइल जो कहलाती है वो आपकी सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। सेकेंडरी कॉइल जो होती है उसके द्वारा आउटपुट लिया जाता है और प्राइमरी जो कॉइल होती है उसके द्वारा इनपुट लिया जाता है। कहने का मतलब इनपुट सप्लाई जो है आपकी जो है एसी सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर को यहाँ से दी जाएगी
प्राइमरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसके द्वारा आउटपुट को लिया जाता है, मतलब हमें जहां यूज करना हो वहां पर हम इस सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स को जोड़कर यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल स्टेप अप में किस प्रकार से होती है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कुंडली होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फेरों की संख्या कह सकते हैं कि कम होता है, और इसकी सेकेंडरी कॉइल में जो होती है फेरों की संख्या ज्यादा होगी। स्वाभाविक सी बात है।